अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में सो अपन टॉस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे एंड देन समर हॉलीडेज एक्सटेंड हुए बोल के तेलंगाना में अपडेट आए उसके बारे में देखेंगे। फिर देन आपके मतलब टी ई सेट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, जैसा कि तेलंगाना के एम सेट, पीई सेट और ई सेट जो भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे, जो कि मतलब सेकेंड ईयर का रिजल्ट के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आई वो देखेंगे एंड देन फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कई सारे बच्चों को कई सारे डाउट्स उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी समझ में आए। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात हैं आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोगों को भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिल सके। तो जैसा कि क्या बोले तो कई सारे टॉस के सब्सक्राइबर्स और मेरे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट और मैसेज कर करके पूछ रहे, सर टॉस का रिजल्ट कब आएगा, टॉस की कुछ अपडेट आई क्या, सर टॉस के ऊपर वीडियो बनाओ। बोले तो देखिए भाई, टॉस का तो अभी तो एक 4-5 दिन पहले आपको न्यूज़ उर्दू न्यूज़पेपर में और तेलुगु न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर ये लोग ये बोले कि आप लोगों को है सो मिनिमम मार्क्स से पास कर देंगे बोल के, जैसा कि प्रीवियस ईयर बच्चों को करे बोल के अपडेट आई थी। मगर अब फिल वक्त आपको लेटेस्ट अपडेट कुछ भी नहीं आई, तो इसके लिए मैं टॉस के रिगार्डिंग कुछ भी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। और हो सकता है उसके कई सारे रीजंस है, क्यों बोले तो तेलंगाना गवर्नमेंट है सो इंटरमीडिएट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था इतने दिन से, तो हो सकता है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को ये लोग प्रमोट कर दिया ना, तो इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग भी अपडेट चल रहा। फिर देन डिग्री और बीटेक बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेना नहीं लेना उसका भी डिस्कशन चल रहा, तो हो सकता है आप लोगों को ये लोग थोड़े दिन साइड में रख दिए होंगे। तो मगर आपको मतलब NIOS के मेंबर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपडेट भी आई, तो कई सारे जने वेट कर रहे कि रिजल्ट कब आएगा बोल के। जैसा भी कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आई मैं मेरे चैनल पे अपलोड करूँगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो अभी सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो आई होप आप लोगों को टॉस के रिगार्डिंग कुछ भी क्लियर हो गया होगा। क्यों बोले तो देखो भाई, मैं जो है ना जो भी ट्रुथ अपडेट आती हूँ मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मेरे को ऐसा दिल से कुछ भी ऐसा व्यूज़ कमाना नहीं है, बस आप लोग दुआ करिए मेरे लिए, यही काफ़ी है। तो बोलना यही चाह रहा हूँ कि अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, इसलिए मैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट की वीडियो नहीं बनाया। तो जैसा भी आएंगी मैं बनाऊँगा। फिर रही बात तेलंगाना में क्या है, समर हॉलीडेज एक्सटेंड बोल के एक अपडेट आई। मतलब तेलंगाना में क्या था बोले तो न्यू एकेडमिक कैलेंडर 16 जून से स्टार्ट होने वाला था जो कि आज से ही, मगर ये लोग क्या करे 20 तक एक्सटेंड कर दिए। तो उसके बाद में ये लोग क्या बोले तो 20 तक एक्सटेंड कर दिए। 21 से आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट होंगे जो कि 8 से लेकर 10th स्टैंडर्ड को ऑनलाइन क्लासेस रहेंगे, और टी सेट चैनल में या टी सेट ऐप में नहीं तो दूरदर्शन चैनल में आप लोगों को क्या है क्लासेस होंगे बोल के अपडेट आई थी। तो आपको 10th स्टैंडर्ड स्कूलिंग के लिए ये है, और जैसा भी COVID-19 सिचुएशन थमेंगे आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस रखेंगे बोल के भी एक अपडेट आई। अब रही बात इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग, इंटरमीडिएट का क्या है बोले तो सैयद उमर जलील साहब अपडेट दिए कि 1 जुलाई से है सो फर्स्ट ईयर के क्लासेस इंटरमीडिएट के स्टार्ट होंगे बोल के, एंड देन जो है सो 15 जुलाई से सेकेंड ईयर के क्लासेस स्टार्ट होंगे वो भी ऑनलाइन मोड में। क्यों बोले तो अभी तो COVID-19 केसेस का मसला चल रहा, जैसा भी डिक्रीज हो जाएगा तो तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आई तो वो लोग क्या करेंगे बोले तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास लेने का परमिशन देंगे। फिल वक्त आप लोगों को ऑफलाइन क्लास लेने का कुछ भी इरादा नहीं है। तो ये आप लोगों को अभी 4 दिन समर हॉलीडेज एक्सटेंड हो गए, तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं ना TS MCET को लेके भी परेशान है, मतलब TS MCET एग्ज़ाम पोस्टपोन होएगा या नहीं होएगा। तो क्या है बोले तो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, उसके अंदर आप मेन हेडिंग में क्लियरली देख ले सकते हैं कि MCET और ESET को क्या है एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करेंगे बोले तो। उसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं, तो वो लोग क्या करे बोले तो MCET के एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले थे ESET के भी, मगर ये लोग क्या है पोस्टपोन क्यों करे बोले तो दो रीजंस है। रीजंस न्यूज़पेपर में क्लियरली दिया, आप आर्टिकल पॉज करके भी पढ़ ले सकते हैं, मैं जो हाईलाइट है वो बोल देता हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी बोले तो अभी फिल वक्त वो लोगों को डिग्री बीटेक बी फार्मेसी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स लेना है, तो अब वो लोग एग्ज़ाम्स लिए तक क्या है बोले तो वो लोग बिजी रहेंगे जुलाई का मंथ, मतलब पूरा जुलाई का मंथ वो लोग बिजी है। तो उसके मुताबिक क्या आप लोगों को जुलाई में तो डैम श्योर एग्जाम्स नहीं होंगे, तो आप लोगों को 99% आपको अगस्त की फर्स्ट वीक में आप लोगों के
एम सेट और ई सेट एग्ज़ाम्स रहेंगे बोल के है। और रही बात टी एस ई डी सेट और पी ई सेट के रिगार्डिंग अपडेट क्या है बोले तो मतलब आपको जो एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन क्या है डेट एक्सटेंड हुई विदाउट लेट फी फाइन के साथ। टी ई ई सेट की डेट है सो 22 जून तक है एंड देन पी ई सेट की है सो 30 जून तक है। आप अभी तक एडमिशन्स नहीं लिए तो आप लोग जाके एडमिशन्स ले सकते विदाउट लेट फी फाइन के साथ। तो आई होप टी एस एम सेट ई सेट ई डी सेट पी ई सेट के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स है आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अब रही बात इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है बोले तो एक गुड न्यूज़ है इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। क्यों बोले तो ये लोग तेलंगाना इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है सो ये लोग क्या है नेक्स्ट वीक में पक्का निकालेंगे बोल के डिसीजन ले लिए। तो और इसके अंदर क्या है बोले तो ये लोग रिजल्ट कैसा लेंगे बोल के वो लोग कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस करें। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या है फर्स्ट ईयर मार्क्स बेसिस पे जो कि प्रीवियस अपडेट के रिगार्डिंग ही है तो फर्स्ट ईयर मार्क्स बेसिस पे देंगे। और देन ये लोग स्पेशली आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन करेगी एमपीसी और बाईपीसी के स्टूडेंट्स के है सो प्रैक्टिकल के मार्क्स फुल के फुल दिए जाएंगे बोल के। जैसा कि एमपीसी स्टूडेंट्स के लिए क्या है 60 मार्क्स रहते और बाईपीसी के क्या रहते 120 मार्क्स रहते। तो अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को रिजल्ट कैसा आएगा बोले तो जैसा कि आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आपको जो है सो 200 मार्क्स है समझो तो 200 प्लस 60 तो आपका रिजल्ट आप आने से पहले भी ऐसा कैलकुलेट कर ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देन बाईपीसी के रिगार्डिंग देखें तो आपको 200 प्लस 120 ऐड कर लो तो ये हिसाब से आप रिजल्ट आने से पहले मालूम कर ले सकते हैं। तो मगर गवर्नमेंट क्या है फिल वक्त आपके रिजल्ट्स रिलीज़ करने के पीछे बिजी है तो आई होप आप लोगों को नेक्स्ट वीक रिजल्ट आ जाएगा। और देन रही बात आपको जो फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग क्या है मालूम तेलंगाना गवर्नमेंट सेकेंड ईयर को तो प्रमोट कर दी बोल के ऑफिशियल न्यूज़ भी आ गई और देन आपको जीओ भी पास हो गया। मगर फर्स्ट ईयर का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है मतलब डायलेमा में है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। मतलब कॉलेज वाले बोल रहे पास करके प्रमोट कर दिए बोल रहे जब सेकेंड ईयर का जीओ पास हुआ तो फर्स्ट ईयर का भी जीओ पास होना। खाली फर्स्ट ईयर को पास कर दिए बोल के न्यूज़ चैनल्स में चाह रहा मतलब गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई। तो हो सकता ये लोग ये बोल रहे कि फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर के साथ एग्जाम रख दे सकते तो ये बिल्कुल गलत है। तो गवर्नमेंट को क्या है फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी जैसा कि सीबीएसई वाले क्या करे फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिए आप लोग भी क्या है फर्स्ट ईयर के बच्चों को मतलब प्री फाइनल मार्क्स बेसिस पे या टेंथ बेसिस पे जो भी है आप लोग बच्चों को मार्क्स देके रफा दफा करिए। क्यों बोले तो कई सारे कॉलेजेस में सेकेंड ईयर का पढ़ाना शुरू कर दिए बच्चे फर्स्ट ईयर का जो भी है भूल गए तो ये लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप लोग जीओ पास करिए या फिर रिजल्ट कब आ रहा। क्यों बोले तो आज की प्रेजेंट अपडेट में भी सेकेंड ईयर रिजल्ट बोल के ये लोग मेंशन कर रहे फर्स्ट ईयर के बच्चे कहाँ गए। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के रिगार्डिंग भी अपडेट दीजिए। जैसा भी कुछ भी अपडेट आएंगे मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो अभी सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। और जो है सो आपको OU और JNTU के रिगार्डिंग ये वीडियो में कुछ भी अपडेट नहीं है। अगर आपको OU और JNTU के रिगार्डिंग अपडेट होना है तो मैं लास्ट वीडियो बनाया वही लेटेस्ट अपडेट है आप उसके अंदर जाके डिप्लोमा के रिगार्डिंग भी जाके देख ले सकते। चलिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।